Global Hunger Index. That makes headlines now. Many a people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup. And they are asked, are you hungry? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यह दावा करने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 140 करोड़ लोगों में से केवल 3,000 लोगों से पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं। ईरानी ने कहा कि ऐसे सूचकांक जो भारत की कहानी पेश नहीं करते हैं और जानबूझकर ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे कई लोग बकवास कहते हैं, वे यहाँ भारत में 140 करोड़ लोगों में से केवल 3,000 लोगों को फोन करके और उनसे पूछकर सूचकांक बनाते हैं अगर वे भूखे हैं। वह सूचकांक कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को हैदराबाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सम्मेलन में यह बातें कही थी, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष उनको घेरने में लग गया है। बता दें कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत 28.7 स्कोर के साथ 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 26.6 स्कोर के साथ सूचकांक में 102वें स्थान पर है। विपक्षी नेताओं ने ईरानी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत ने स्मृति ईरानी के बयान को असंवेदनशीलता और अज्ञानता भी बताया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अधिक शर्मनाक क्या है, आपकी अज्ञानता का स्तर या यहाँ प्रदर्शित आपकी असंवेदनशीलता। क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक की गणना लोगों को फोन करके और उनसे यह पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं? उन्होंने आगे कहा कि आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होता है, सच कहूं तो तुम एक शर्मिंदगी हो। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि मंत्री महोदया, किसी देश का वैश्विक भूख सूचकांक बहुत हद तक 4 संकेतकों पर आधारित होता है, अल्प पोषण, बाल विकास में कमी, बाल विकास में कमी और बाल मृत्यु दर। श्री नेत ने ईरानी से कहा कि वह भूख का मजाक न बनाए, आप एक अत्यंत शक्तिशाली और हकदार महिला हैं। भगवान के लिए भारत सरकार में मंत्री हैं, आप जिन उड़ानों में सवार होते हैं और जिन स्थानों पर आप जाते हैं वहाँ पर्याप्त और अधिक भोजन उपलब्ध है। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना, उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से, तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है, आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं और अगर नहीं जानती हैं तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेवली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टैलिटी। अंडर नरिशमेंट पता चलता है कितनी कैलोरी इंटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है, और चाइल्ड मोर्टैलिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेवली बेस्ड ये सर्वे पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे 4 इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलंग झपकाए झूठ बोल रही है।